अस्सलाम वालेकुम, आज हम मौजूद हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल पर। आज चूंकि संडे था और हर वीकेंड पर हम जो ट्रिप एक अनाउंस करते हैं उसके सिलसिले में आए। काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स हैं इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आज के जो इस ट्रिप की जो सबसे ख़ास बात है वो हमारी एक बांग्लादेशी सिस्टर हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। और आज हमें मालूम हुआ कि बांग्लादेश से भी कोई कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के हक में और पाकिस्तान के जो सियाती मकामात हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ना सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं बल्कि बांग्लादेश और सारी दुनिया को पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है वो दिखा रहे हैं। आइए चलते हैं, उन्हीं से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। जी अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम निगरदीना है। जी निगरदीन, अनार बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसे आया, क्यों आया और कैसे आपको ख्याल आया कि आप अपना मुल्क छोड़ के, बांग्लादेश छोड़ के और यहाँ पर आ गए। मुझे पहले से ये थोड़ी पता हुआ था कि ये पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन कोई नहीं आते हैं, कोई घूमते भी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। बांग्लादेश से खासकर 1971 के बाद जो है ना, लोग इतना ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में सोचते नहीं थे, लेकिन मैं जब आई हूँ मुझे आके बहुत सारी चीज़ें पता चली। पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, तो इसीलिए जो है ना मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। और इसलिए एक्सप्लोर कर रही हूँ कि पाकिस्तान के बारे में पूरा दुनिया में लोगों को पता चले, खासकर बंगालियों को पता चले कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। वो लोग आए घूमे, इससे जो है ना हमारी दोस्ती भी होगी, दोनों मुल्क में हम एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, टूरिज्म के लिहाज से बहुत अच्छा होगी। बस मेरी यही पर्पज है, मैं चाहती हूँ पाक बांग्ला फ्रेंडशिप हो और पाकिस्तान में बांग्लादेश से लोग आए और बांग्लादेश से भी पाकिस्तानी भी बांग्लादेश जाए, दोनों मुल्क में एक अच्छा रिश्ता बन जाए। तो आज तो मैं आई थी इधर आपके आपके जो ग्रुप के साथ, मैंने पहली बार कोई ग्रुप के साथ आई तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताइएगा कि घर वालों ने आपको किस तरह इजाजत दे दी एक अकेली लड़की को बांग्लादेश से पाकिस्तान आई और यहाँ पर आकर आप मतलब एक ऐसी कंट्री को मतलब डिफेंड कर रही है जिसके बारे में बांग्लादेश में मनफी राय पाई जाती है। अच्छा पहले तो मेरी ये था कि मेरी कुछ फैमिली फ्रेंड्स है इसलिए मैं आई थी, बस मैं पर्सनली घूम रही थी। मुझे इधर आके देखा कि पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। और कुछ पॉलिटिशियन और कुछ लोग कुछ चैनल चाहते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का दोस्ती हो जाए, तो देन मैं उन लोगों के साथ ज्वाइन किया, न्यूज चैनल पर ज्वाइन किया। और भी मैं काम करती हूँ पाक बांग्ला फ्रेंडशिप के लिए, बहुत सारे काम करती हूँ कि सोशल मीडिया पे कि लोगों को एक पॉजिटिव थिंकिंग आए पाकिस्तान के बारे में। बहुत सारे नेगेटिव थिंकिंग है, जैसे कि सोचते कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, कोई लड़की जाए या लड़का जाए उनके साथ कोई कुछ गलत होगी। तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि लोगों को पॉजिटिव चीजें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, पाकिस्तान भी बहुत अच्छे हैं। और मैं तो आज आई हूँ पहली बार कोई टूर ग्रुप के साथ, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगे है। तो मैं यही कहूंगी कि जो भी आना चाहे, पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो, जरा बांग्लादेश से आसते चान तारा हमारे साथ अवश्य कॉन्टैक्ट करबें और हमें भाईर एड्रेस सबकिछ हमें अपना दिए दीब। जो भी पाकिस्तान से आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रुप है और बहुत रिजनेबल प्राइस में सब कुछ मिलती है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि इतना रिजनेबल में कुछ होती नहीं है। तो भाई आप अभी मुझे मतलब सबको बताएं कि आपका पैकेज का क्या डिटेल्स है, आपके साथ कैसे रब्ता कर सकते हैं, आपका टूर ग्रुप का मेन क्या है, आप सबको ये बताएं कि आपने कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान में विजिट किया और कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है और आप चाहती हैं कि बांग्लादेश से भी हमारे जो भाई हैं वो यहाँ पर आए और विजिट करें। मैं इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मरी ये सारे जगह घूमा, आज तो आई हूँ, ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह था EKPK में। तो मैं चाहती हूँ लोग जो है ना नॉर्दर्न एरिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जैसे कि नारायण गगन सोग्रन में भी बहुत सारे लोग चाहते हैं नॉर्दर्न एरिया में बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं। और बांग्लादेश से भी मुझे काफ़ी लोग जो है ना कॉन्टैक्ट करते हैं कि हम नॉर्दर्न एरिया घूमना चाहते हैं, कि आपके पास कोई एजेंसी का नंबर हो तो हमें बताए, कोई ग्रुप है तो हमें बताए। तो मेरे मुझे पहले नहीं पता था, आज तो आपके बाद मुझे पता चले है। तो मैं क्या पैगाम देंगी बांग्लादेशियों भाइयों को और पाकिस्तानी लोगों को? मैं सबको यही कहूंगी कि जो भी हुआ है पुराने चीजें ऐसे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तानी लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, दोनों मुल्क के टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए। तो जैसे कि हमारी दोस्ती भी बढ़ेगा, हमारी प्रमोशन प्रमोट होने के साथ साथ हमारी इकोनॉमी के लिए इसके जो है ना फायदा होगी। जी ये थी निगार दिलनार जो बांग्लादेश से आई थी और आज हमें इन्होंने ज्वाइन किया। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें ज्वाइन किया और हम इनकी शख्सियत से
काफ़ी मुतासर, ना सिर्फ मैं बल्कि सारे ट्रिप में इनको एज ए चीफ गेस्ट जो है ना वो ट्रीट किया गया। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप रावल ट्रिप्स एंड टूर के फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो करें, और हमारी जो सर्विसेज हैं वो बहुत ही कम पैसों में आपके लिए अवेलेबल हैं अगर आप पाकिस्तान में कहीं भी जाना चाहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगी है। आप इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ और भी लोग कॉन्टेक्ट में आए, जैसे बांग्लादेश से बहुत सारे लोग चाहते हैं। आप दोबारा प्लीज काइंडली आपका ग्रुप का नेम एंड नंबर इधर बोल दीजिए। जी, हमारे जो हमारा जो क्लब है, हमारी जो कंपनी है, उसका नाम है रावल ट्रिप्स एंड टूर, और हम इस्लामाबाद रावलपिंडी से ऑपरेट करते हैं। स्पेशली जो वन डे टूर हैं वो हमारे वीकेंड पर होते हैं, जबकि जो दीगर जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उनके डिफरेंट डेज में होते हैं। तो इन सारी मालूमात के लिए आपको हमारे पेज का विजिट करना पड़ेगा, और इसके अलावा स्क्रीन पर जो आपको नंबर नज़र आ रहा है हमारा, उस पर आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें हमें, और इंशाल्लाह ना सिर्फ हमारे ट्रिप को जान करें बल्कि आपको अगर किसी भी टूरिस्ट प्लेस के मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसके लिए हम 24 घंटे हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।